सर्दियों में अपने हाथों, पांव और चेहरे की हिफाजत कीजिए। अक्सर और बेशतर सर्दियों में हाथों और चेहरे की जल्द बुरी तरह मुतासर होती है। सर्दियों और खुश्की से बचने के लिए मुख्तलिफ जो है क्रीमें हाथों, पांव और चेहरे पर इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि अक्सर सर्दियों में हाथ, पांव और चेहरे की जो रंगत है वो डल हो जाती है। इसके अलावा उसके ऊपर खुश्की और एड़ियां कटी पटी सी हो जाती हैं। सर्दियों में अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए आप जो है मुख्तलिफ किस्म के लोशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ जो हैं क्रीमें भी मार्केट में दस्तयाब हैं। इन्हीं में से एक जो है नया आया है फ़ायदा कंपनी का लोशन, जिसके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, इसके अलावा इसके जो है तरीका इस्तेमाल और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, उन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। इस तरह की पैकिंग में ये मार्केट में दस्तयाब है, जो कि 100 ml की क्वांटिटी में है। इसके अलावा इसके बड़ी क्वांटिटी में भी आता है ये, जो कि 200 ml है। ये जो है ये एप्रिकॉट जो है फ्लेवर के साथ है। इसके अलावा इसके अंदर दो और फ्लेवर भी आते हैं। फ़ायदा कंपनी का एप्रिकॉट जो है मॉइस्चराइजिंग लोशन है, जो कि बॉडी एंड फेस लोशन है, यानी कि इसको आप जिस्म के किसी भी हिस्से पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हर किस्म की स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो या नॉर्मल हो, किसी भी स्किन के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़िन इसकी क्वांटिटी मैंने पहले ही आपको बता दी है कि इसकी क्वांटिटी जो है वो 100 ml है। इसके अलावा 200 ml में भी दस्तयाब है। इसकी फ्रेगनेंस जो है वो पीच के साथ है। इसके अलावा इसकी एलोवेरा में भी पैकिंग दस्तयाब है। इसके इस्तेमाल से आपके हाथ, पांव और चेहरा जो है वो नरम मुलायम और ख़ुशी से बचा रहेगा। इसी बैक साइड पे चलें तो मुकम्मल इसके बेनिफिट इंग्रेडिएंट्स तफसील के साथ मेंशन है। इसके अलावा इसका तरीका इस्तेमाल जो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं, हर इंसान तकरीबन जानता है कि इसको आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं हाथों पर लगा के, चेहरे पर और पाँव पे इसका यूज़ यूजुअली किया जाता है। इसके अलावा अगर इसकी कीमत की बात करें तो 180 रुपये इसकी कीमत है इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 100 ml की। तो नाज़रीन इसके ऊपर जो है मुकम्मल इसके बेनिफिट जैसे मैंने पहले बताए हैं, पीछे मेंशन किए हुए हैं, जो कि एप्रिकॉट के हैं। इनका कहना है कि ये ड्राई स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी एड़ियां कटी पटी हैं तो आप नीम गर्म पानी से इसको वाश करने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन इससे आगे अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन सर्दियों में जल्द खुश्क हो जाती है, जिससे जल्द खासी सख्त है होकर अकड़ जाती है और काफ़ी जो है अकड़ी अकड़ी महसूस होती है। तो इससे निजात पाने के लिए सबसे पहले तो हम कुछ गिजाई अतका इस्तेमाल करते हैं जिनमें चिकनाई की मकदार ज़्यादा हो। इसके अलावा जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए कुछ लोशन वगैरह और क्रीमों की ज़रूरत होती है, जिनमें से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ फ़ायदा कंपनी का। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी की मार्केट में दस्तयाब हैं जिनको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। ना जी इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। कुछ लोग जो है सर्दी में पानी जो है बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है रुखी और बेजान सी हो जाती है। इसके अलावा अपनी गिज़ा में फलों को भी शामिल करें, क्योंकि फलों में पानी की मकदार ज़्यादा होती है। सर्दियों में पानी कम पिया जाता है, इसलिए फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि जो पानी की कमी है वो पूरी रहे और आपकी स्किन जो है ठीक रहे। इसके अलावा वैसे भी पानी जो है आम तौर पर सर्दियों में बहुत कम पिया जाता है, अगर आप फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको फ़ायदा कंपनी के एप्रिकॉट मॉइस्चराइजिंग लोशन के बारे में बताया है। मज़ीद मालूमात के लिए आप विज़िट करें और कमेंट करें। आप मेरा इजहार करें।